टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो खाद्य तेल से है। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। लगातार गिरावट के बाद सोयाबीन की कीमत में सुधार देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बीच सोयाबीन तेल, सीपीओ, बिनोला, स्पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सामान्य कारोबार के बीच सरसों और मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे हैं। वहीं बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा है कि सोयाबीन को छोड़कर मंडियों में अन्य किसी तेल तिलहन की जो मांग है वो नहीं थी। इसके अलावा शिकागो एक्सचेंज में मंदी के कारण सोयाबीन तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सूत्रों ने कहा है कि मंडियों में सरसों और मूंगफली की आवक घटने लगी है। वहीं मंडियों में सरसों की आवक पहले से लगभग 5 लाख बोरी से घटकर 4.5 लाख बोरी रह गई है। सरसों से जिस बड़े पैमाने पर रिफाइंड तैयार किया जा रहा है उससे आगे जाकर सरसों की दिक्कत आ सकती है। वहीं सरसों के मामले में अगली फसल आने में लगभग 9 से 10 महीने हैं और सरकार को विशेष रूप से सरसों को लेकर सतर्क रहना होगा। वहीं सूत्रों ने कहा कि सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि केंद्र के साथ साथ राज्य की खरीद एजेंसियों को अपील जारी करे कि वह सरसों तिलहन की खरीद कर इसका स्टॉक बना ले। ये जरूरत के वक्त में देश के हित में साबित होगा। वहीं सरसों का कोई विकल्प नहीं है और सरकार को चौकस रहना होगा। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 0.5% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज भी लगभग 1.8% नीचे था। वहीं सूत्रों के मुताबिक विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के कारण सोयाबीन तेल, कच्चा पाम तेल, बिनोला, पामोलियन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। तो बता दें मलेशिया में, साथ में ये भी बता दें कि मलेशिया में पाम तेल का जो दाम है वो भी टूटा है। वहीं वैश्विक बाजार में बिकवाली का दबाव मलेशिया के पाम तेल वायदा में भी टूटा। वैश्विक बाजार में बोर्ड बीते सत्र में बिकवाली के भारी दबाव में कमजोरी के साथ बंद हुआ, जिसका असर मलेशिया बाजार पर भी दिखा है। वहीं यूक्रेन से अनाज का शिपमेंट बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की रिपोर्ट के बाद सी बोर्ड सोया तेल में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम तेल कॉन्ट्रैक्ट 45 रिंगिट या कहे 0.73% गिरकर 6089 रिंगिट प्रति टन पर आ गया है। तो ये थी बात सरसों की कि मूंगफली तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। वहीं सोयाबीन के जो रेट्स हैं वो भी बढ़े हैं, तो लगातार गिरावट के बाद सोयाबीन की कीमतों में सुधार जो है वो देखने को मिल ही रहा है। वहीं इसके अलावा सरसों और मूंगफली तेल समेत कई तेल की जो कीमतें हैं वो गिरावट देखने को इनमें मिल रही हैं। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।